गुड मॉर्निंग बच्चों, आई रचना शर्मा वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सिक्स क्लास वर्कशीट नंबर 4। दिस इज़ फॉर इंग्लिश वर्कशीट। ओके बच्चों, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम सिक्स क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 28 सितंबर की वर्कशीट है। यहाँ पर बच्चे नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बेटा, हमारी हनी सकल की बुक में चैप्टर है नंबर 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। एक कुत्ते को अपना मास्टर कैसे मिला, एक अपना मालिक कैसे मिला, आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है ये आपकी बुक का। तो इसको हम पढ़ेंगे बड़े इंटरेस्टिंग वे में। डियर चिल्ड्रन, यू ऑल नो दैट डॉग्स आर पैट एनिमल। प्यारे बच्चों, आपको पता है, आप सबको पता है कि जो कुत्ता है वो एक पालतू पशु है। बट लॉन्ग बैक, लेकिन बहुत समय पहले, डॉग वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव इन फ्री। जो कुत्ते थे वो रहते थे अपने मास्टरों के साथ और लिव्ड इन फ्री और फ्रीडम, और फ्रीडम में रहते थे वो। पहले अपने मास्टरों के साथ थे और फ्रीडम में रहते थे, आज़ादी से रहते, फ्रीडम मतलब आज़ादी से रहते थे। लेट्स अस नो रीड अबाउट अ डॉग हु वॉन्ट टू बी द सर्वेंट ऑफ द वन हु वॉज द स्ट्रोंगेस्ट ऑन द अर्थ। आओ लेट अस रीड अबाउट, आओ हम ऐसे कुत्ते के बारे में पढ़ते हैं, एक जो अपना एक ऐसे मतलब स्ट्रोंगेस्ट, जो सबसे स्ट्रोंगेस्ट बोलते हैं, सबसे ही शक्तिशाली, जो धरती पर सबसे शक्तिशाली हो, एक ऐसा मास्टर बनाना चाहता था अपना, कि मेरा मालिक ऐसा हो जो धरती पर सबसे शक्तिशाली हो, जो किससे डरे ना। अगर मेरा मास्टर सबसे शक्तिशाली होगा तो मुझे भी किससे डरने की ज़रूरत नहीं होगी। लेट अस सी हुम डज ही फाइंड अ मास्टर। देखते हैं अब हमें क्या उसे अपना मास्टर मिला या नहीं मिला। यानी कि कुत्ते ने एक बार सोचा कि मैं एक ऐसा मालिक ढूंढो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, जो किसी से डरे ना, और जब वो मेरा मास्टर शक्तिशाली होगा तो मेरी भी रक्षा करेगा। ठीक है, हम पढ़ते हैं कुत्ता किस किस के पास गया। अब डॉगी बोल रहा है, देखिए डॉग है, आई वॉन्ट टू हैव अ मास्टर हु इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन द अर्थ। मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूँ जो धरती पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। ओह, द वोल्फ इज़ अ स्ट्रॉन्ग फायर्स। वो कहता है, अरे वोल्फ जो है, ये भेड़िया है, ये तो सबसे शक्तिशाली है, और वायर्स मतलब बहुत भयानक भी है। डियर वोल्फ, उसने कहा, प्रिय वोल्फ, विल यू बी माई मास्टर, क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। तो वोल्फ ने कहा, भेड़िया ने कहा, येस वाई नॉट, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा मालिक बनूंगा। आगे देखिए डॉगी, कुत्ता क्या बोल रहा है, वाई यू फ्रेंटेड, तुम क्यों डर रहे हो। किससे बोल रहा है वो बोल रहा है इससे, वोल्फ से बोल रहा है कि वोल्फ तुम क्यों डर रहे हो, भेड़िया तुम क्यों डर रहे हो। तो देखिए वोल्फ क्या बोलता है, द बियर विल ईट बोथ ऑफ अस, ये जो भालू है हम दोनों को खा जाएगा। यानी कि भालू मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है, भालू हम दोनों को खा जाएगा। अब देखिए डॉगी ने क्या किया, अब डॉगी क्या बोलता है, डॉगी ने कहा, आई विल मेक द बियर माई मास्टर, मैं अब भालू को अपना मास्टर बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा, क्योंकि उसे तो सबसे शक्तिशाली चाहिए था, जो धरती पर सबसे शक्तिशाली हो उसे वो अपना मास्टर बनाना चाहता था। उसने बोला, आई विल मेक द बियर माई मास्टर, मैं अब भालू को अपना मास्टर बनाऊंगा, मालिक बनाऊंगा। विल यू बी माई मास्टर, तो उसने भालू से कहा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे, क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। तो भालू ने क्या कहा, यस यस वाई नॉट, लेट मी किल अ काओ, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा मास्टर बनूंगा। लेट मी किल अ काओ, मैं एक गाय को मारता हूँ, मुझे गाय मारने दो। ठीक है, अब नेक्स्ट डॉगी ने क्या बोला, वाई यू प्रिंटेड। अब डॉगी जब उसके साथ चलने लगा, भालू के साथ चलने लगा, आगे चलने लगा, तो फिर उसने भालू से पूछा कि तुम क्यों डरे हुए हो। तो उसने क्या बोला, द लायन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। वो कहता है कि जो शेर है वो सबसे शक्तिशाली है इस धरती पर। किसने बोला, बियर ने बोला, भालू ने बोला कि शेर सबसे शक्तिशाली है धरती पर। तो अब डॉगी ने क्या बोला, आई विल मेक द लोयन माई मास्टर, डियर लोयन विल यू बी माई मास्टर, कि मैं अब लोयन को अपना मास्टर बनाऊंगा, अपना मालिक मैं लोयन को बनाऊंगा, शेर को बनाऊंगा। डियर लोयन, प्रिय शेर, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। अब लोयन ने क्या बोला, यस यस वाई नॉट, क्यों, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा मास्टर बनूंगा। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे पढ़ेंगे हम, आगे क्या हुआ इस कहानी में। अब लास्ट में यहाँ पर, यहाँ आ जाते हैं हम। अब डॉगी ने कहा लोयन से, अब ये देखिए यहाँ पर ये लायन है, आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। अब लोयन बोल रहा है
की स्मेल बोलते हैं महक, जो कह रहा है वो लॉयन कि मुझे इस रास्ते से एक इंसान की महक आ रही है, लेट अस रन, हमें अब दौड़ना होगा और वी विल इन ट्रबल, हमें दौड़ना पड़ेगा वरना हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। किसने बोला है ये लायन ने बोला है, कुत्ते से बोल रहा है वो कि मुझे अब किसी इंसान की खुशबू आ रही है, एक महक आ रही है, अब हमें यहाँ से दोनों को दौड़ना पड़ेगा वरना हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब डॉगी ने क्या बोला है देखिए, गुड बाय, वो उसे अलविदा कहता है, उसे अलविदा कहता है कि आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ द स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, मुझे तो अपना मास्टर उसे बनाना है जो धरती पर ज़्यादा शक्तिशाली हो। तो अब फिर किसने, इस कुत्ते ने अपना मास्टर किसे बनाया, इंसान को। तो जब से ही जो ये डॉगी हैं, ये कुत्ते हैं, इंसान के साथ रहते हैं, आज तक भी जो ये डॉग हैं, जो कुत्ते हैं, वो इंसान के ही साथ रहते हैं, इंसान उन्हें पालते हैं। तो ये कहानी तब से चली आ रही है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये कुत्ते को सबसे शक्तिशाली अपना मास्टर कैसे मिला। देखिए आप पढ़ेंगे, फ्रॉम द डे द डॉग स्टे विद द मैन, उस दिन से ही जो एक डॉगी है वो स्टे मतलब रहता है आदमी के साथ, एंड सर्व देम फेथफुली, और उसका बड़ी ईमानदारी से, बड़ी भरोसे से उसकी सेवा करता है। आपको पता है कि कुत्ते को सबसे वफादार एनिमल बोला जाता है, टिल नाउ तब से द डॉग्स मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर, तभी से कुत्ते को आदमी का एक सबसे भरोसेमंद सेवक माना गया है और उसका वो मास्टर बन गया, जो इंसान है जो कुत्ते का मास्टर बन गया है। देखिए क्वेश्चन करेंगे हम, फिल द टेबल यूजिंग द हिंट्स, ये वाले जो हिंट्स में नीचे दिए गए हैं, इन हिंट्स से हमें ये वाली टेबल को फिल करना है। बच्चे क्या क्या करना है, इसमें एनिमल दिया गया है, एनिमल के बेबी का नाम लिखना है, एनिमल के बच्चे को क्या बोलते हैं, उसके घर को क्या बोलते हैं, और वो क्या खाना खाता है। घर तो हमने पिछली वर्कशीट में भी किए थे ना, आपको याद होगा, तो हम इसको कर लेते हैं अभी। देखिए डॉग को मैंने आपको बताया था, ये रहता है कैनल में, किस में रहता है, कैनल में, KNEL कैनल, कैनल आगे इसका होम यहाँ पर, ठीक है। पहले हम इसको बेबी लिखेंगे, चलो पहले हम बेबी से स्टार्ट करते हैं, बेबी से। तो डॉग के बच्चे को क्या बोला जाता है, इसमें देखिए, यहाँ देखिए आपको समझ आएगा, आपको पता है कोई बच्चे से, डॉग के बच्चे को बोलते हैं पप्पी, PUPPY पप्पी, बेबी के नीचे आ गया पप्पी। फिर अब इसके होम को क्या बोलते हैं, होम को बोलते हैं इसके कैनल, KENNEL कैनल, क्या बोलते हैं, कैनल। अब देखिए अब हम इसके फूड को लिखेंगे, इसके फूड को क्या बोलते हैं, क्या खाता है कुत्ता, आपको पता है फ्लैश खाता है, फ्लैश खाता है कुत्ता, खाता है ना फ्लैश, तो यहाँ लिखेंगे फ्लैश, FLESH। घास तो खाता नहीं है, खाने की दो चीज़ें हैं, देखिए घास और फ्लैश होता है मांस, मांस खाता है, ठीक है। अब अगला चलेंगे हम लायन, लायन के बच्चों को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CUB कब, क्या बोलते हैं बच्चे, CUB कब। और लोयन रहता किस में है, डैन में, DEN डैन में, और लोयन भी क्या खाता है, फ्लैश, FLESH। ये हमारे तीनों हो गए, ठीक है। अब लास्ट है हमारा काऊ, गाय कहाँ, गाय के बच्चों क्या बोलते हैं, CALF, देखो यहाँ पर है ये रहा, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसके घर को क्या बोलते हैं, शेड, SHED शेड, ठीक है। और क्या खाती है, ये खाती है ग्रास, GRASS। बेटा आपको पता है कुत्ते फ्लैश भी खाते हैं, आपने देखा होगा चूहों को खाते हुए कुत्तों को, लेकिन कुत्ते आपको रोटी देते हैं, दूध देते हैं, ब्रेड वो भी खाते हैं। तो इसमें दोनों लिख लेना आप, मैंने आपको एक बताया था पहले फ्लैश ऊपर वाले में, FLESH फ्लैश, ओब्लिक करके आप मिल्क और ब्रेड भी लिख लेना, क्योंकि कुत्ते दोनों चीज़ खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं, मिल्क और ब्रेड भी खाते हैं। तो आप ये डॉगी के सामने, इस डॉग के सामने ये फ्लैश और मिल्क और ब्रेड दोनों लिख लेना बेटा। तो इस तरह से हमारी जो वर्कशीट है सोल्व हो जाती है। तो आई होप बच्चों आपने एंजॉय किया होगा वर्कशीट को सोल्व करने में, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।